दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर ऐसी बड़े खबर में देखिए बिहार में आसमानी आफात वज्रपात की चपेट में आने से चौदह की मौत नीतीश ने जताया शोक जी जहाँ देखिये बिहार में मंगलवार को बारिश के दौरान ठंडा गिरने से चौदह लोगों की जान चली गई रोहतास में छो पूर्वी बिहार में पांच और जहानाबाद में तीन लोग ठनगा की चपेट में आ गए इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात जिलों में वज्रपात से ग्यारह लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है साथ ही मृतक के परिजनों को तत्काल चार चार लाख रुपए देने का निर्देश दिया है बड़ी में देखिए पटना में जमकर बरसे बादल बिहार के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी ज्यादा देखिये मौसम विभाग ने आज जमुई अररिया किशनगंज लखीसराय नवादा खगड़िया और बांका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून ट्रफ रेखा गंगानगर दिल्ली प्रयागराज अलीगढ़ टाल्टनगंज व बालासोर होते हुए गुजर रही है प्रदेश के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी जारी की गयी है वही पटना समेत शेष भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है अगले दो दिन तक तो प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी इसके बाद 6 जुलाई से तापमान में बढ़ोतरी के आसार भी है देखिए बिहार की राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे की समय झमाझम बारिश हुई बारिश के बाद राजधानी का मौसम काफी सुहाना हो गया इसी बीच मानसून की सक्रियता में छह जुलाई ऐसी आंशिक कमी के आसार है इससे राज्य के अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ेगा पिछले चौबीस घंटे में पश्चिमी चंपारण के बगा में सर्वाधिक वर्षा अठासी मिलीमीटर दर्ज की गयी है वही राज्य में अब तक एक मिलीमीटर mm वर्षा दर्ज की गई है बड़े घर में देखिए बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने ऐसी हाईकोर्ट का इंकार पटना हाईकोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और इसके नियमावली को चुनौती देने वाले करीब एक दर्जन याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिनू कुमार अभिनंद श्रीवास्तव और बसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार राज्य शिक्षक नियमावली दो हजार की वैधता को चुनौती दी गई है उनका कहना था कि वर्ष दो में शिक्षक की बहाली के लिए नियमावली बनाई गई थी फिर दो हजार और दो में नियमावली लागू की गई इसी के तहत प्रदेश में शिक्षक की नियुक्ति की गई इन सभी नियमावली को समाप्त कर नए नियमावली लागू कर दी गई है उनका कहना था कि पूर्व के नियमों के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकतर पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद और नगर पालिका के हाथों में था अब सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली करा रही है उनका कहना था कि पंचायतों पंचायत समिति जिला परिषदों व नगर पालिकाओं से शिक्षक की बहाली का अधिकार वापस लेना स्थानीय स्वयंता के सिद्धांतों का हनन है नए प्रावधानों के अनुसार पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा पर के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है जबकि इससे पूर्व टेट परीक्षा पास उम्मीदवारों को शिक्षक बहाल किया जाता था वर्ष दो हजार छह न्यायामालय के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य नए न्यायालय के समान है नए नियम के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उन्हें वेतन दिया जाएगा समानता का सिद्धांत के खिलाफ है राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षक की बहाली के लिए नए नियम बनाने का पूरा अधिकार है कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख बाईस अगस्त तक की है बड़े घर में देखिए राज्य के स्कूलों में चालीस हजार रसोयों की होगी भर्ती जहाँ देखिए राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोइयों की कमी है जल्द इस कमी को दूर किया जाएगा बिहार मध्या भोजन योजना निदेशालय द्वारा चालीस हजार रसोई की बहाली की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल यह संख्या अनुमानित है सभी जिला मध्या भोजन योजना पदाधिकारी से रिक्तियां भी मांगी गई है सात जुलाई तक इसकी रिपोर्ट देनी है साथ ही आपको बता दें की मध्याय भोजन के लिए रसोई की स्कूलों में कमी है वर्ष दो के बाद स्कूलों में रसोई को नहीं रखा गया है फिलहाल राज्य के तीस ऐसी पैंतीस स्कूलों में नियम अनुसार रसोईया नहीं है इससे दिक्कत होती है रसोई के पद पर गांव या फिर पंचायत की महिला को ही बहाल करना है यह जिम्मेदारी विद्यालय शिक्षा समिति की होगी रिक्त आने के बाद सभी जिला शिक्षा कार्यालय के आदेश पर विद्यालय शिक्षा समिति बहाली करेगी बता दें कि वर्तमान में राज्य में दो लाख दो हज़ार कार्यरत है प्रत्येक रसोईयों को छह सौ पचास रुपये महीना मानदेय मिलता है बड़े घर में देखिए दस हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी नीतीश सरकार बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से ज्यादा देखिए 10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नीतीश कुमार की सरकार दस हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पेश कर सकते हैं वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट दस हजार करोड़ रुपए के करीब का हो सकता है जिसे शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे देखिए सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट में शिक्षा विभाग के लिए ज्यादा प्रावधान होगा ताकि इसका स्थापना खर्च पूरा हो सके इसके अलावा संभावना है कि सरकार का गैर योजना खर्च बढ़ सकता है क्योंकि बड़े पैमाने पर हो रही भर्तियों की वजह से सैलरी का बोझ बढ़ेगा बिहार में शिक्षक पुलिस के अलावा कई और विभागों में भर्तियाँ चल रही है अधिकारियों ने बताया की एक बार जब बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सैलरी मद में और कितना खर्च होगा इसकी साफ साफ तस्वीर सामने आ जाएगी बड़ी खबर में देखिए बिहार के हजारों बच्चों की छात्रवृत्ति लंबित के के पाठक ने सभी मामलों के समाधान का दिया अल्टीमेटम शैक्षणिक सत्र 2018 19 से संबंधित बिहार के 36,000 बच्चों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला अभी तक लंबित है इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने इकतीस जुलाई तक हर हाल में लंबित मामलों के भुगतान का अल्टीमेटम दिया है हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से कहा कि इसके समाधान की सूचना विज्ञापन के जरिए दी जाए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से छात्रवृत्ति के लंबित होने का मामला उठाया गया था इसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में लंबित मामलों के समाधान के निर्देश दिए गए हैं इसके समाधान की टाइम जुलाई तक रखी गई है बाड़े घर में देखिए जीताराम मांझे के बेटे को मिली वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा हाल ही में एनडीए में हुए थे शामिल जी देखिये जीताराम मांझे के बेटे और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन मांझे के केंद्र सरकार के द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने हाल ही में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा था ऐसे में संतोष मांझी की सुरक्षा बढ़ाने को राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है बड़ी खबर में देखिए पटना में एक हफ्ते में करीब एक करोड़ का जुर्माना ट्रैफिक रोल तोड़ने वालों पर सख्ती अब ड्राइवर ऑन फोन पर भी जुर्माना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बिना सीट बेल्ट या हेलमेट रॉन्ग वे में एंट्री वाले नागरिकों के चलान काटे जा रहे थे अब आने वाले समय में नौ सीट बेल्ट ड्राइवर ऑन फोन के भी चलान कट जाएंगे चलान करने की जानकारी वाहन मालिकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक से भेजा जाएगा उस लिंक को खोलने पर वाहन मालिक की तस्वीर के साथ जगह और समय भी वहां लिखा होगा देखिए एक हफ्ते में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगभग एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है सताईस जून को लगभग दस लाख रुपए, अट्ठाईस जून को लगभग पंद्रह लाख रुपए एवं उनतीस जून को लगभग चौदह लाख पचास हजार रुपये का चालान कटा गया है तीस जून को लगभग तेरह लाख ,00, साठ हजार रुपए एक जुलाई को लगभग चौदह लाख ,00, अंठानवे हजार रुपये दो जुलाई को लगभग चौदह लाख ,00, चौदह हजार रुपए तीन जुलाई को लगभग तेरह लाख छियासठ हजार रुपए का चालान कटा गया है इस तरह एक हफ्ते में एक करोड़ रुपए का चालान कटा गया है पारे घर में देखिए आरजेडी का सताइसवा स्थापना दिवस आज लालू होंगे शामिल आरजेडी दफ्तर समेत राज्य भर में होगा कार्यक्रम आरजेडी बुधवार यानी आज अपना सताइसवा स्थापना दिवस मनाएगा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा इसमें राजा अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे आरजेडी के स्थापना दिवस पाँच जुलाई उन्नीस को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में हुई थी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे बड़े घर में देखिए बिहार से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलेगी पाँच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने जारी की शेड्यूल या देखिए श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना आसनसोल पटना जैसे रक्सोल भागलपुर व गोरखपुर देवघर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है इसके अलावा सुल्तानगंज स्टेशन पर पाँच जोड़े ट्रेनों का दो मिनट का ठहरा भी दिया गया है बता दें कि जीरो तीन पाँच ग्यारह आसनसोल पटना तीन जुलाई से तीस अगस्त तक सोमवार व बुधवार को आसनसोल से साढ़े चार बजे खुलकर ग्यारह पचपन बजे पटना में पहुंचेगी वापसी में यह ट्रेन पटना आसनसोल चार जुलाई से इकतीस अगस्त तक मंगलवार और गुरुवार को पटना से एक पंद्रह बजे खुलकर अगले दिन साढ़े आठ बजे आसनसोल पहुंचेगी वहीं दूसरी ट्रेन जीरो तीन छह सौ अंठानबे गया जैसे पाँच जुलाई से इकतीस अगस्त तक प्रतिदिन गया से आठ बजकर पचपन बजे खुलकर ग्यारह पैतालीस में पटना पहुंचेगी और पटना से ग्यारह पचपन में खुलकर अगले दिन पाँच पैतालीस बजे जैसे डी पहुंचेगी देखिए जीरो पांच पाँच सौ आठ रक्सोल भागलपुर प्रतिदिन रक्सोल से पांच पंद्रह में खुलेगी और दूसरे दिन दो बजकर तीस मिनट में भागलपुर पहुंचेगी। वहीं भागलपुर रक्सल प्रतिदिन भागलपुर से साढ़े चार बजे खुलकर अगले दिन तीन पंद्रह में रक्सल पहुंचेगी अधिक दानापुर और साहेबगंज दोनों तरफ से नौ जुलाई से सताईस अगस्त तक प्रत्येक रविवार को गाड़ी संख्या जीरो तीन दो सौ छत्तीस और जीरो तीन दो सौ पैंतीस दानापुर साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी घर में देखिए कावारियों के ठहरने के लिए मुफ्त में घर जैसी व्यवस्था यानी सरकार ने कहा, कहा किए हैं इंतजाम जहाँ देखिये बिहार सरकार ने कावारियों के लिए दवा एम्बुलेंस पेयजल रोशनी सुरक्षा व ठहरने की मुकम्मल व्यवस्था की है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन ऐसी लेकर दुगमा गेट झारखण्ड बॉर्डर तक कावारियों के लिए तमाम व्यवस्था सरकार से की ओर ऐसी की गयी है सुल्तानगंज में सरकारी धर्मशाला को तैयार कर दिया गया है जबकि भागलपुर मुंगेर व बाका तीन जिलों में कावारियों को सहूलियत के लिए ठहरने का प्रबंध किया गया है कच्ची कवॉडिया पथ बिहार से झारखंड बॉर्डर तक करीब छियासी किलोमीटर है इसमें पर, पर धर्मशाला धर्म टेंट सिटी बनाए गए हैं जहाँ सैकड़ों बेड लगाए गए हैं महिला श्रद्धालुओं के लिए भी स्पेशल बेड लगाए गए हैं मध्य के कावारियों के लिए जर्मन हैंगर तकनीक से वाटर और फायर प्रोफ टेंट तैयार किए गए हैं निजी कंपनियों के हाथों ने सरकार ने इसका काम दिया था और कावरियों के लिए निशुल्क रहेंगे यहाँ कावरियों को विश्राम करने के लिए फोल्डिंग खाट डलना बेड चादर तकिया वगैरह दिए जाएंगे शौचालय व वा आरो वाटर भी निःशुल्क किया गया है में देखिए गाँव में बेरोजगार युवक बनेंगे ट्रांसपोर्टर नीतिश सरकार ला रही है ये योजना ज्यादा की अब गाँव के बेरोजगार युवक भी ट्रांसपोर्टर बनेंगे नीतीश सरकार उन्हें ऐसा करने में मदद देगी ये बेरोजगार युवक गाँव से लेकर शहरों तक अपनी गाड़िया दौड़ाएंगे एक ट्रांसपोर्टर के रूप में उनकी भी पहचान बनेगी सबसे बड़ी बात तो यह होगी की सपने पूरे करने में पैसों की बाधा आड़े नहीं आएगी सरकार उनके लिए खास योजना ला रही है इस योजना से हर साल लगभग सैंतीस सौ युवकों को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तो युवाओं को वाहन की खरीद पर भारी बरकम सहायता देगा इसमें प्रत्येक पंचायत में सात लाभुकों को वाहन खरीद पर अनुदान की व्यवस्था की गई है चयनित लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए खरीद मूल्य का पचास या अधिकतम एक लाख रूपए अनुदान की व्यवस्था है में के सावन मेला में कवरिया लगाएंगे गंगा में डूब संभालेगी आपके बैग और मोबाइल इस बार श्रावणी मेला में कवरे के सामान की सुरक्षा पुलिस करेगी इससे वैसे हजारों कवारियों को मदद मिलेगी जो अकेले गंगा जल लेने आते हैं लेकिन सामान की सुरक्षा को लेकर सशंकित रहते हैं। दरअसल नमामि गंगे घाट और सड़ी घाट पर स्नान करने के दौरान बीते साल में सैकड़ों कवरियों के बैग मोबाइल आदि चोरी हो गए थे कुछ शिकायतें पुलिस प्रशासन तक आई कुछ नहीं आई इसलिए इस बार पुलिस शिविर में मौजूद कर्मियों को लॉकर रूम जैसी सेवा देने की जिम्मेदारी दी जाएगी शिविर में पुलिस कर्मियों कावारियों के लिए सामान की एंट्री रजिस्टर करेंगे जब गंगा स्नान के बाद कावरिया शिविर में लौटेंगे तो उनसे नंबरिंग पूछकर उनका सामान वापस कर दिया जाएगा कावरियों को सामान जमा करने के आवाज में कोई शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा सामान वापसी के बाद से रजिस्टर पर सिग्नेचर भी कराया जाएगा मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा इसको लेकर सभी शिविर में बाहरी लोगों के बैठने आदि पर रोक लगाई जाएगी किसी भी तरह गड़बड़ी पर शिविर प्रभारी को जिम्मेदार बनाया जाएगा वहां मजिस्ट्रेट को भी विशेष नजर रखने को कहा जाएगा